नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। भाजपा सरकार के समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के प्रथम आगमन पर उनका जगह जगह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी गरीब व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहेगा। कन्नौज सदर से भाजपा विधायक बने पूर्व कमिश्नर असीम अरुण को भाजपा सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने के बाद पहली बार कन्नौज आए राज्य मंत्री का काफिला मानी मऊ बेहटा ठटिया तिरवा कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। राज्य मंत्री के आने की खबर लगते ही तिरवा तहसील के वकीलों ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। तहसील पहुंचे राज्य मंत्री का वकीलों ने फूल मालाओं के साथ जमकर स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने बताया कि कन्नौज की तीनों सीटें भाजपा खाते में आने से जो कन्नौज के लोगों ने भाजपा को सम्मान दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार ने उन्हें समाज कल्याण विभाग का जो काम दिया उसमें किसी भी गरीब को वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई पात्र व्यक्ति है उसे समाज कल्याण से लाभ जरूर मिलेगा। किसी काम में भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ ये पूरे कन्नौज का परम सौभाग्य है। कन्नौज ने, फर्रुखाबाद ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उनका सम्मान पुनः बढ़ाया और योगी जी ने कन्नौज का सम्मान बढ़ाते हुए मुझको और पूरे कन्नौज को एक जिम्मेदारी दी है कि समाज कल्याण विभाग को संभाला जाए। समाज कल्याण विभाग में समझता हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है और सबकी मदद करने का, सहायता करने का विभाग है। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं कन्नौज के भी सभी लोगों से अनुरोध करूँगा। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी हम कन्नौज में हैं तो कन्नौज की बात करें। कन्नौज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जिसकी पात्रता है किसी भी स्कीम की, वो छूटना नहीं चाहिए और हम लोग मिल करके उनकी मदद करें। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं जिनकी पात्रता है और उनको समाज कल्याण की और कोई मदद नहीं मिल पा रही है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076-1076 नंबर डायल करें, उससे हम लोग को जानकारी हो जाएगी और हम उनकी मदद कर पाएंगे। इसके अलावा मुझको सीधे बता सकते हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए। ये एक बहुत सकारात्मक कार्य होगा, एक सकारात्मक शक्ति है समाज कल्याण विभाग की। मैं परम सवाल समझता हूँ कि इसको प्रयोग करने का अधिकार अब हमारे पास और आपके पास होगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।